अल्लाह वेलकम टू इंडर्स नर्स प्रपेशन अकेडमी दिस इज मी नास मंद टू डे वी आर गोइंग टू टॉक अपाउट द ब्लड वेजल्स आज के हम इस लेक्चर में ब्लड वेजल्स के ऊपर बात करेंगे जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है ब्लड वेजल्स आर द कंपोन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम दे ट्रांसपोर्ट द ब्लड थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी ब्लड वेजल्स क्या होती हैं हमारे सर्कुलेश सिस्टम का एक पार्ट होती हैं जिनका काम होता है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना हमारे पूरी बॉडी में दीज वेजल्स ट्रांसफॉर द ब्लड सेल्स न्यूट्रेंट्स एंड ऑक्सीजन टू द टिशूज ऑफ द बॉडी ये ब्लड वेजल्स क्या करती हैं हमारे बॉडी के सेल जो होते हैं न्यूट्रेंट्स होते हैं ऑक्सीजन होते हैं वो हमारी टिश्यूज़ uh, को देती हैं जो हमारी बॉडी के पार्ट होते हैं दे आल्सो टेक अ वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड अवे फ्राम द टिश्यूज़ ब्लड वेजल्स का यह भी काम होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है या कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारे टिश्यूज़ से दूर लेके जाती हैं मिसाल के तौर तो पे किडनी के पास लेके जाती है लंग्स जो कार्बन डाइऑक्साइड आउट करता है तो मुख्त जो एक्टरेटरी ऑर्गन होते हैं वहाँ पर लेके जाती हैं टाइप्स ऑफ ब्लड वेजल्स अब हम पढ़ेंगे ब्लड वेजल्स के टाइप कौन कौन से हैं सबसे पहले आ जाता है आर्टरीज आर्टरीज़ जो हैं जिनका डायमीटर होता है फोर एम एम मिलीमीटर एंड आर्ट्रोल्स जो होती हैं उनका जो डायमीटर होता है टेन माइक्रोमीटर तो अब देख लेते हैं कि आर्ट्रीज क्या होती हैं आर्टीज ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्राम द हार्ट फ्राम द ओल्टा ओल्टा बेसिकली ट्वेंटी फाइव एम एम के होती है यह सबसे बड़ी होती है ठीक है थिक्कर वाल्स देन अन्स टू विथ एक्सटेन द हाई प्रेशर ऑफ द आर्टीरियल ब्लड अब क्या होता है बेसिकली हार्ट से सबसे पहले जो निकलती है वो ओल्टा निकलती है एल्टा जो होती है वो सबसे बड़ी होती है जिसको पच्चीस मिली डायमीटर होता है और थिक्कर वॉल होती है ज़ाहिर बात बड़ी होगी तो वॉल जो होगा उसकी जो इंटरनल लाइनिंग होती होगी वो भी बड़ी होगी वन से ये किस वजह से होती है क्योंकि जो फर्स्ट प्रेशर मिलता है जो जि, जिसका सामना करना पड़ता है हार्ट के प्रेशर को वो ओएटा होती है ठीक है हाई प्रेशर होता है आर्टीरियल ब्लड का इस वजह से इसका डायमीटर भी ज़्यादा है और इसके वॉल भी थिक्कर हैं ठीक है लार्ज आर्ट्रीज लाइक ओएटा हैव अ मोर इलास्टिक टिश्यूज लेस स्मूथ मसल्स जो भी लार्ज आर्टरीज होती हैं जिस तरह की उल्टा है उनको इलेक्सिटी ज़्यादा दी गई है मतलब वो थोड़ा एक्सपेंड भी हो सकती हैं अगर प्रेशर ज़्यादा आएगा तो वो खुल भी जाएंगी और फिर वापस भी आ जाएंगी और स्मूथ मसल लेस होती है आर्टरीज में हमें एक रेजिस्टेंट मिलता है जिसे हम पेरीफुलर रेजिस्टेंट भी कहते हैं जाहिर बात है जब हमारा ब्लड आर्टरी हार्ट से निकल के उल्टा में आता है फिर उल्टा से निकल के आर्टरीज में आता है और्टा बड़ी होती है आर्टरीज तो उससे छोटी होती है फिर आर्टरी से निकल के हमारी आर्टल्स पे आता है तो सारी बातें थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंट आता है मतलब ब्लड का फ्लो जो होता है वो उसको रेजिस्ट करता है क्योंकि जो अल्टा बड़ी है आर्टरी छोटी तो है फिर आर्टोल्स तो उससे छोटी है इस वजह से इसको ब्लड फ्लो जो होता है आर्टोल्स में इसमें रेजिस्टेंट कहते हैं इसको हम पेरीफेरल रेजिटेंट भी कहते हैं ठीक है अब आ जाते हैं वॉल्स ऑफ द आर्टरीज आर्टरीज में बेसिकली कितने वॉल होते हैं लेयर कितनी होती हैं ठीक है टिश्यूज़ की होती हैं थ्री लेयर्स सबसे पहले आ जाती है टूनिका एडवेंटिशिया जिसे टूनिका एक्सटर्ना भी कहते हैं ये फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई होती है और ये आउटर होती है सबसे पहले जो ऊपर की होती है फिर उसके बाद है टूनिका मीडिया मीडिया का मतलब है कि मिडिल मिडिल में होती है स्मूथ मसल और इलास्टिक टिश्यू जिसकी हमने अभी बात की वो मिडिल में आ जाती है टूनिका एंटीमा जो बिल्कुल ही इंटरनल होती है बिल्कुल ही जो वेन के ऊपर होती है लाइनिंग ऑफ द स्टीमस इंडोथेलियम सेल से बनी होती है इनर कहते हैं हम उसे ये इनर लेयर है अब नेक्स्ट है हमारी केपलरीज केपरीज केपलरीज का बेसिकली जो डायमीटर होता है वो फाइव टू एट माइक्रोमीटर होता है देखिए आर्टरी का बड़ा था बड़ा मीटर फिर आर्ट्रोल्स का उससे कम था फिर जो केपलरीज हैं आर्ट्रोल से कम है उनका डायमीटर केपलरीज बेसिकली जो आर्ट्रोल्स होती हैं ब्रेकअप इनटू द माइन्यूट वेजल्स कार्ड केपलरीज आर्ट्रोल्स जहाँ पे ख़त्म होती हैं फिर वहां से स्टार्ट होती है हमारी केपलरीज ठीक है केपलरीज लिंक द दस्ट आर्ट्रोल्स टू तो द दस्ट वेन्यूल्स कैपिलरीज का क्या काम होता है कि आर्टेरियल्स को वेन्यूल्स से मिलाती हैं जो सिमालेस्ट आर्टेरियल्स होती हैं और सिमालेस्ट वेन वेन्यूल्स भी होती हैं तो कैपलरीज इन दोनों को आपस में लिंक करती है बीच में कैपिलरीज आ जाती हैं इनके एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन द टिश्यूज एंड ब्लड अकर्स थ्रू द वेजल्स अब यहाँ पे क्या होता है कि मिसाल के तौर पे जो आर्ट्रियल्स होती हैं या आर्ट्री ओटा इनमें तो जाहिर बात है एक ऑक्सीजनेट और अच्छा सा ब्लड आ रहा होता है ठीक है फिर वहाँ पे जो सबको दे दिया ब्लड ऑक्सीजनेट मिल गया न्यूट्रंस मिल गए फिर यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटीरियल हो रहा है फिर वेन्यूल्स में जहा बात है डी ऑक्सीजनेट ब्लड आ जाता है आपको पता है तो यहाँ पर क्या होगा एक्सचेंज ऑफ मटीरियल होगा ठीक है जो भी सब्टेंस वग़ैरह होंगे फिर हमारी बॉडी में आ जाता है सिनोसाइड्स ये एक सर्टेन प्लेसेस होती हैं बेसिकली होती है, कैपलरीज हैं इनका जो लोकेशन होती है लिवर हो गया बोन मेरो हो गया कैपिलरीज आर सिग्निफिकेंटली वाइडर एंड लीकअर सिनोसाइट्स बेसिकली जो वाइडर होते हैं और ली होते हैं देन नॉर्मल मतलब जो आमतौर पे कैपिलरीज हमें देखने को मिलती हैं वो थोड़ी माइन्यूट होती हैं बिल्कुल ही सिनोसाइट्स उससे थोड़ी मतलब ज़्यादा बड़ी होती हैं ठीक है दियर वॉल्स आर इनकम्पलीट उनके वॉल जो होते हैं बेसिकली इनर लाइनिंग होती है वो इनकम्प्लीट होती है ज़्यादा नहीं ल्यूमन मच लार्जर देन यूरियल जो यूरूअल हमें कैबिलस मिलती है उनसे ज़्यादा ल्यूमिन भी बड़ा होता है उनका डायमीटर भी जो होता है वो लार्ज होता है अलो फास्ट एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज यहाँ पे क्या होता है कि इन लार्ज ल्यूमन की वजह से और जो इनकी सिग्निफिकेंटली वाइडर लीकर की वजह से इनकी जो एक्सचेंज होती है सब्टेंसेज की वो फास्ट होती है बनस्बत दूसरी जो हमारी आम कैपलरीज हैं उनके अकॉर्डिंग ठीक है यह हमारे सिनोसाइड्स हो गए फिर आ जाती है वेंस वेंस का जो डायमीटर होता है वो फाइव मिलीमीटर होता है और वेन्यल्स का जो डायमीटर होता है वो ट्वेंटी माइक्रोमीटर होता है हम इन्हें वेनस सिस्टम भी कहते हैं फ्राम द केपलरीज वेना सिस्टम स्टार्ट एंड इट इंक्लूड्स वेन्योल्स केपलरीज जहाँ पे आटोल्स केपलरीज के साथ मिली थी फिर वेन्युल्स इस्टार्ट हो रही थी वहाँ से हमारा वेना सिस्टम इस्टार्ट होता है और ये वेन्युल्स को भी कवर करता है वेंस एंड वेना केवाय थर्टी मिली मीटर वेंस का जो असल में डायमीटर होता है उसकी जो वेना केवाय लेयर होती है वो थर्टी मिली मीटर की होती है केपलिरीज एंड वेन्युल्स वेंस थिनर बनस्बत जैसे आर्टरीज थिकर थी तो ये वेंस क्या होती हैं थिनर होती हैं मतलब पतली होती हैं रिटर्न ब्लड देन आर्टरीज रिटर्न ब्लड रिटर्न होता है ब्लड वेंस में इस वजह से टू तो द हार्ट हार्ट के पास एट अ लो प्रेशर आर्टरीज में हाई प्रेशर था यहाँ पे क्या लो प्रेशर के साथ जाएंगे सम लेयर्स ऑफ द टिश्यूज एज आर्टरीज बट हैज अ लेस मसल एंड इलास्टिक टिश्यूज आर्टरीज में बेसिकली इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है और लेस मसल होते हैं इसलिए क्योंकि उनमें हाई प्रेशर होता है अब जो हमारी वैन्स हैं उनमें इलास्टिसिटी भी कम होती है और स्मूथ मसल भी कम होते हैं देन आर्टरीज सम हैव अ सम्स दैट इंश्योर फ्लो ऑफ ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट प्रिवेंट द बैक फ्लो हमारी कुछ वैन्स होती हैं उनमें एक वॉल्व होते हैं ठीक है वॉल्व इस वजह से होते हैं कि ब्लड जो है हमारी ग्रेविटी की वजह से या मतलब किसी और रीजन की वजह से ब्लड बैक फ्लो ना हो वो कंटिन्यूसली हार्ट को वापस ब्लड मिलता रहे और हार्ट फिर अपना सिस्टम चलाती रहे इस वजह से वॉल्व्स को क्या एक वेंस को बेसिकली एक वॉल्व होते हैं ठीक है जो बेक फ्लो से प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ब्लड वेंस डिस्टेंसिबल आर कैपेसिटी टू तो हॉल द लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द बॉडी वेन में एक और खासियत भी है कि वो ब्लड को रोक के भी रख सकती है होल्ड भी कर सकती है काफ़ी सारे ब्लड को क्योंकि इसमें एक कैपीसीटन्स वेजल्स भी इनको बोलते हैं हम उसमें एक डिस्टेंस होता है एक मुफासला होता है जहाँ पर यह ब्लड को रोक भी सकती है अगर कोई इशू हो जाता है ठीक तो बेसिकली ये हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक पार्ट था जो आज हमने कवर किया है अब क्या होता है बेसिकली हार्ट सबसे पहले आती है फिर उल्टा निकलती है हार्ट से फिर वो आर्टरीज में कन्वर्ट होती है फिर आर्टरीज आर्ट्रोल्स में कन्वर्ट होते हैं आर्ट्रोल्स जो होते हैं वो केपलरीज में कन्वर्ट होते हैं केपलरीज जो होती हैं हमारी वो वेन्यूल्स में कन्वर्ट होती हैं वेन्यूल्स फिर होते हैं हमारे वेंस में वेंस जो होती हैं हमारी इन्फीरियर या सुपीरियर वेना केवा उसमें कन्वर्ट होकर हार्ट के पास वा, ब्लड वापस लेकर जाती है ठीक ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है हमारे ब्लड वेजल्स का